इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय किसान यूनियन भानु और किसान मजदूर संगठन ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि हम किसान आंदोलन से अब अलग हो रहे हैं, और ऐसे में वीएन सिंह ने इस बात का जिक्र किया है कि मैं किसी को पिटवाना नहीं चाहता हूं, मैं देश को बदनाम करना नहीं चाहता हूं। जो भी 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों ने किया है वो बहुत गलत है और उससे बहुत परेशान हूं मैं। ऐसे में मैं अब इस आंदोलन से अलग हो रहा हूं, और सबसे बड़ा आरोप उन्होंने राकेश चकैत पर लगा दिया है। साफ तौर पर यह बात कह दी है कि राकेश चकैत उत्तर प्रदेश के किसानों की बात को आगे लेकर नहीं जा सके हैं, और जो रूट दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया था उस रूट पर राकेश चकैत नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उनके लोगों के द्वारा अलग रूट तय किया गया और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। ऐसे में बहुत बड़ी ये खबर है, आखिरकार किसान नेताओं में फूट पड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये दो संगठन है, किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु, ने किसान आंदोलन से अब किनारा कर लिया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि दो किसान संगठन अब अलग हो गए हैं, आने वाले समय में ऐसे और किसान संगठन है जो अब इससे अलग होंगे। लेकिन ऐसे में इस वक्त की बहुत बड़ी ये खबर है, किसान मजदूर संगठन के बीएम सिंह ने कहा है कि आंदोलन दिशाहीन हो चुका है। और वहीं बीएम सिंह ने यह आरोप राकेश चकैत के ऊपर लगाया है कि जिस तरीके से पहले का रूट निर्धारित किया गया था उस रूट पर वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके का आंदोलन यहां पर हुआ है उससे बहुत परेशान हूं मैं, इसलिए मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं। इस वक्त की ताजा और अहम खबर आप तक न्यूज़वेल इंडिया पहुंचा रहा है। किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु ने अब किसान आंदोलन से किनारा कर लिया है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि दो किसान संगठन अब अलग हो चुके हैं इस आंदोलन से, आने वाले समय में क्या और किसान आंदोलन इससे अलग होंगे? क्योंकि जिस तरीके का आंदोलन ये जारी है, ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने जो हंगामा किया है उससे सभी लोग काफी परेशान है। किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु अब अलग हो चुका है। वीएम सिंह ये बात कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है, प्रदर्शनकारियों ने जो किया है वो बहुत गलत है। ऐसे में राकेश चकैत के ऊपर उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, और ये बात भी कह दी है कि दिल्ली पुलिस ने जो रूट हमको दिया गया था उस पर वो नहीं जाना चाहते थे, इसके लिए अलग रूट उन्होंने बनाया और दिल्ली में प्रवेश किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के दो संगठन अब अलग हो गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किसानों, जो किसान नेता है, उनमें फूट पड़ना अब शुरू हो चुकी है। तो क्या किसान आंदोलन का कोई भविष्य है? क्या दो महीने से जो किसान आंदोलन यहां पर लगातार जारी है उसका कोई भविष्य हो पाएगा, उसका कोई निर्णय निकल पाएगा? क्योंकि दो किसान मजदूर संगठन है ये जो अलग हो चुके हैं। ऐसे में किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान भानु अलग हो गया है। ऐसे में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या किसान आंदोलन खत्म हो चुका है?